बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं बेकरी स्टाइल डोनट। इसके लिए हमें सबसे पहले मैदा चाहिए, 2 कप हमें मैदा चाहिए, 1 चम्मच ईस्ट चाहिए। इसको हम मिला लेंगे। टू टेबल स्पून चीनी डालेंगे हम इसमें पाउडर, 1 टीस्पून मिल्क पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 अंडे की जर्दी लेंगे, 3/4 कप दूध लेंगे हम, ठंडा दूध होना चाहिए, और इसको मिला लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर डाल के और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे, जैसे कि आटा गूंदा जाता है। आटा जो है आपका नरम होना चाहिए गूंदा हुआ, और इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें, हमारी डो तैयार हो गई है। बहुत सॉफ्ट जो बनी है हमारी। अब हम इसको मैदा या खुश्की डाल के दोबारा से इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे ताकि ये बिल्कुल लेवल हो जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। जितना इसका आटा गूंदा हुआ स्मूथ होगा, उतने अच्छे आपके डोनट बनेंगे। अब हम इसको खुश्की लगा के उसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। इसकी डो ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। जिस तरह डोनट का साइज़ होता है उसके मुताबिक आपको इसको बेलना है। अब हम इसको काट लेंगे। हमारे पास कटर नहीं है तो हम इसको ग्लास की मदद से इसकी शेप बना रहे हैं। आपके पास कटर है तो आप कटर से इसको काट लें, या कोई ढक्कन वगैरह होते हैं बॉटल के, आप उससे भी इसको काट सकते हैं। ये देखें कितने अच्छे हमारे सफाई के बिल्कुल वो बन गए डोनट। अब जो बाकी बचा है आटा, इसके भी हम और बना लेंगे दोबारा से। और ये मेरे पास नोज़ल की मदद से मैंने इसमें बीच में से कट कर लिया है इसको, तो ये बिल्कुल डोनट शेप आ गया है हमारे। ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपके पास कटर भी हो। देखें तकरीबन सारे हमारे डोनट बन गए हैं। तकरीबन 12 मैंने बनाए हैं इसके अंदर। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। पहले एक साइड से फ्राई करेंगे फिर दूसरी साइड से करेंगे। देखें एक साइड से हो गए हैं, हम इसको पलट लेंगे। कितने ज़बरदस्त से बन रहे हैं डोनट। हम इसको निकाल लेंगे और सॉस में इसको डिप कर लेंगे। आपके पास जो सॉस हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास चॉकलेट सॉस थी वो मैंने इस्तेमाल करी है, पिंक सॉस मैंने खुद बनाई है। अगर आप इसको पिंक सॉस की रेसिपी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चॉकलेट सॉस की रेसिपी तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप इस पर स्प्रिंकल भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस पर डाल सकते हैं। मज़ेदार से हमारे यम्मी डोनट तैयार हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो हमारी पूरी देखा करें ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपियाँ मिलती रहें और अच्छे अच्छे टिप्स आपको मिलते रहें।